ट्रांसलेशन बोल दो। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अरे ताली बजा दो इसके लिए। आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन हु थॉट द बर्ड टू। जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। अभी हम आ गए हैं सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल इसलिए कह रहे हैं कि लोग पहले सरकारी स्कूल से बच्चे को भेजने में डरते थे, लेकिन अभी यहाँ का रख रखाव और बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसा है, किस टाइप में है, और अंदर चलेंगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं अभी जो स्कूल का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय चक इब्राहिम, जो कि अंचल सरैया में पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ सफाई और रख रखाव सब कुछ अच्छा है। आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन हमारे साथ चलेंगे और दिखाते हैं यहाँ पे, और सर दिख रहे हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। सर आपका आप यहाँ के SHO हैं जी, कैसा रख रखाव है सर? देख ही रहे हैं, बेहतर है, हमारे यहाँ सब दिन बेहतर रहता है, सब दिन बेहतर रहता है बिल्कुल। खाना उना का क्या रूटीन है? खाना रूटीन यहाँ लगा हुआ है, आज जो रूटीन है पुलाव होगा, अंडा है, छोला सलाद यही है, बनना अच्छा, अभी सब कुछ देते हैं आप समय पे ना? बिल्कुल समय से मिलता है, सब कुछ समय से बिल्कुल समय से। पढ़ाई लिखाई बच्चे का? पढ़ाई रूटीन है उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई होता है। सर आप BPSC वाले? जी 99 बैच का BPSC है। तो देख सकते हैं जो BPSC क्वालिफाई है 99 बैच के हैं, उनका मतलब एक्टिविटी कुछ और ही रहेगा। ये नहीं कि मुखिया वाले अगर SHO बन जाते हैं तो समझिए कि वो स्कूल का क्या है, जो हम लोगों ने दिखाया भी था। लेकिन सर जो है इनमें योग्यता और काबिलियत है, यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि हाँ इनमें योग्यता और काबिलियत भी है। सर हमारे कैमरा मैन आएंगे अंदर और दिखाएंगे, यहाँ यह वर्ग 8 है और यहाँ पे देख तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे के जो यह राइटिंग चेक हो रहा है, और राइटिंग चेक हो रहा है उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी खड़े हैं। और मैम बच्चे का जो इंग्लिश जो है कैसा है अभी? बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, इंग्लिश तो हमारा मदर टंग नहीं है। अच्छा, ये तो हम लोगों पर थोपी गई भाषा है एक तरह से। अच्छा, तो इसे सीखने में परेशानी होती है। थोपी गई नहीं है मैम, यह सब भाषा के रूप में आता है। कोई भी लैंग्वेज अगर बच्चा हिंदी इंग्लिश मराठी उर्दू कोई भी, यह एक बच्चा संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो कि एक दूसरे से सीखा जाता है। यही भाषा को उसको बोलते हैं सह भाषा, या उसको आप कह सकते हैं कि एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। अगर स्कूल के जितना भी चारों तरफ लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है कि वह बच्चे को एक पढ़ाई के संसाधन के रूप में कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे हैं, राइटिंग चेक हो रहा है, तो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे इधर। और क्या बुआ सरकारी स्कूल है तो इसमें पढ़ने आते हैं, पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है जी। तो आपको कोई पोएम याद है? जी सुनाइए। आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन हु थॉट द बर्ड टू बोल्ड एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, वेयर कैन द मिसिंग इज बी टू बी फाउंड, हु व्हेन द मून इज नॉट क्विट राउंड, हु लेट्स द रेनबो इन द स्काई एंड लाइट एंड मैक्स द लाइटिंग स्टार वेन दे ब्लो आउट एंड लाइटिंग फॉल्स अबाउट एंड फ्लूफी कोल्ड सो हैंग। और क्या है तो नहीं आता। चलिए बहुत अच्छा, देख रहे हैं, ताली बजा दो तुम लोग। और कौन बच्चा सुनाएगा जो पोएम जिसको याद है? पोएम याद है बुआ? चलो सुनाओ। I wonder why the grass is green and why the wind is never since who taught the bird to build a nest and told the tree to take rest, oh when the moon is not cool and where can the missing wheat be found, who lights the star when bubbles about and make the lightning falls, who paints the rainbow in the sky and so called the rainbow in the sky, who taught the birds। देख सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अब सरकारी विद्यालय नहीं रहेगा। आपको जहाँ के SHO BPSC क्वालिफाई है और BPSC से टीचर बन के आए हैं, उनमें योग्यता होता है और वो अपने एक्टिविटी स्कूल एक्टिविटी को बनाए रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुगा, तो एक मैं स्कूल जा रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन बोल दो। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अरे ताली बजा दो इसके लिए। क्या यह सही है? जी सही है जी। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन?
पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। चलिए, पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस जो बीत गया। जो बीत गया जी। अब प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, इंग्लिश में बोल सकते हैं, बता सकते हैं? इंग्लिश में भी नहीं याद। नहीं नहीं। ए नानी इज नेम ऑफ द पर्सन। नाम का डेफिनेशन, व्हाट इज द नाम? व्हाट इज व्हाट? नहीं याद है। नहीं है। नाउन का डिफिनेशन कौन बताएगा? कौन बताएगा बोलो? ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स। याद है? नहीं नहीं है नाउन। चलिए, तो आपने देख लिया, और 8 क्लास का बच्चे है, बहुत मतलब जो सराहनीय कदम है सरकार का, और यह कदम बहुत ही अच्छा है कि देख सकते हैं यहाँ पे, और योग्य टीचर भी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।